कल आपका एसपी का पेपर है, सो मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 15 मिनट्स देने हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। देन आपका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए देखो डिस्टिंग्विश में यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर हाँ फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वॉरेंट, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इसे ऑलरेडी प्रैक्टिस होना चाहिए, इसे आपको 30 मिनट्स में कम्प्लीट करना है। देन शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट में भी देखो लिखने का एक तरीका होता है, स्टार्टिंग में मीनिंग डेफिनेशन, एवरी क्वेश्चन को मीनिंग डेफिनेशन बेकायदा ऐड करना होता है, सो मीनिंग डेफिनेशन, देन जो भी मेन क्वेश्चन है उसका वो लिखना, आंसर लिखना होता है, सो यहाँ पे आपको 45 मिनट्स अलॉट करने हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहता है ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न, सो ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न के लिए आपको 30 मिनट्स अलॉट करने हैं, 30 मिनट्स में होना चाहिए, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट ही होता है, स्टार्टिंग में आपको लिखना होता है द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू या तो फॉल्स है, जो भी आंसर रहेगा एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होता है, द रीज़न फॉर द सेम इज फॉलोइंग, देन 5 to 6 पॉइंट्स आपको रीज़न के ऐड करने होते हैं, और एंड में कंक्लूजन लिखना होता है, सो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, सो इसके लिए आपको 30 मिनट्स देने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, यहाँ पे मैक्स देखो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे लेटर्स के होते हैं, सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स देने हैं। देखो लेटर का भी प्रॉपर फॉर्मेट फिक्स होता है, हर एक लेटर का फॉर्मेट फिक्स होता है, और यहाँ ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो भी अगर लेटर किसी को आता है, आता नहीं है, अगर नहीं आता है तो आपको जो भी लेटर का फॉर्मेट होता है फिक्स होता है, उतना फॉर्मेट भी बना क्या होगा ना, तो भी आपको 1.5-2 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, सो यहाँ पे लेटर नहीं आता है तो फॉर्मेट उसका बनाना ही होता है। देन सो यहाँ पे आप 20 मिनट्स में उसको कंप्लीट करोगे, दो ही क्वेश्चन लिखने होते हैं यहाँ पे, सो 10 मिनट्स इज इनफ। देन क्वेश्चन लास्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको यहाँ पे 20 मिनट्स अलॉट करने हैं, ये क्वेश्चन आपका 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। सो आपको टोटल टाइम जो होता है वो होता है 3 आवर्स, दैट मीन्स 180 मिनट्स, सो ये अगर करोगे आपको ये तो ये होता जाए है, यहाँ पे होता है ये 160 मिनट्स होते हैं, तो आपके टाइम आपके पास यहाँ पे देखो टाइम रिमेनिंग होता है वो हो जाएगा 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में आप पेपर का क्या करना चालू करना है, प्रेजेंटेशन करना होता है, ये पेपर आपको गिवन टाइम में ही सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव 15 मिनट्स में ही होना चाहिए, और यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव का, अगर सब वो जो ए होता है फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो एक पेज पे आना चाहिए, जो बी होता है मैजिकल कॉलम वो सेकेंड पेज पे आना चाहिए, उसके बाद में जो भी होता है आपको सी होता है वो वन वर्ड होता है, सेम पेज पे मत चालू करना कि अब आपका मैजिकल कॉलम हाफ पेज में हो गया, सो नीचे से डायरेक्टली वन वर्ड मत चालू, उसके लिए एक फ्रेश पेज लेना, नया पेज लेना, सो वहाँ से स्टार्ट करना। डिक्शनरी की बात करो, ये भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप पूछोगे कितने पॉइंट्स लिखने हैं, डिक्शनरी से पॉइंट्स कितने ऐड करने हैं, सो देखो एग्जामिनर को रिक्वायर होते हैं 5 पॉइंट्स, अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो 5 पॉइंट्स इज इनफ, बट 6 to 7 पॉइंट्स होने चाहिए, अगर कोई बाई चांस आपका पॉइंट अगर सपोज रॉन्ग वगैरह होता है सो वहाँ पे कवर हो जाएगा, सो उसके लिए 6 to 7 पॉइंट्स ऐड करोगे। शॉर्ट नोट्स में भी कैसा मैंने बोला ये ऑलरेडी कि मीनिंग डेफिनेशन ऐड करोगे, देन 6 to 7 पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं यहाँ पे भी, 6 to 7 पॉइंट्स। देन ट्रू और फॉल्स विद रीज़न के लिए मैंने बोला यहाँ पे भी 6 to 7 पॉइंट्स होना चाहिए, और फॉर्मेट भी बता दिया। आंसर इन ब्रीफ, यहाँ पे मैक्सिमम लेटर्स आते हैं और 1 थियरी क्वेश्चन होता है, सो अभी थियरी क्वेश्चन लिख पाओगे तो अच्छी बात है, लेटर का तो प्रॉपर फॉर्मेट ही होता है, उसको भी अच्छे से देख ले जाना, सो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। लॉन्ग आंसर यहाँ पे एक थियरी होता है और एक लेटर होता है, सो लेटर का फॉर्मेट अच्छे से करो, जो भी आप लेटर करोगे अलॉटमेंट लेटर बोनस का लेटर अच्छे से करके जाना, और अभी लॉन्ग आंसर में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हो गए उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। सो यहाँ पे भी अगर प्रेजेंटेशन की बात करोगे, अगर सब थियरी क्वेश्चन है, मीनिंग डेफिनेशन, देन जो भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स रहेंगे उसको ऐड करना होता है, सो पेपर को अच्छे से भर के आना है, कोई भी क्वेश्चन को गलत होकर नहीं लिखोगे, अच्छे से पेपर के लिख के आना हो। इवन आपको अगर कोई लेटर वगैरह नहीं आता है, खाली ड्राफ्ट लेटर दिखा, राइट लेटर लिखा, फॉर्मेट लिख के आओ, बट खाली छोड़ के नहीं आना होता है, जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर प्रॉपर नहीं आता है, उसके रिलेटेड जो भी आता है वो लिखना होता है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, अगर छोड़ के आओगे तो वो खुद एग्जामिनर आप खुद के हाथ से लिख के आपको मार्क्स नहीं देने वाला है।
आप जो भी लिखोगे कुछ तो कंटेंट लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ आपको आपको मार्क्स मिलेगा. ओके सो दैट्स इट. ये है टाइम मैनेजमेंट. आपको इसे टाइम अलॉट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो समझ लेना तो पेपर छूटने के चांसेस हो जाते हैं. सो इसको अच्छे से ध्यान में रखो और ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज़ एग्ज़ाम. ओके गुड बाय.